हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सभी लोग उपटन के बारे में तो जानते होंगे क्योंकि इसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं। काफ़ी पुराने समय से ही इसका यूज़ किया जा रहा है। बट हम लोग क्या करते हैं कि शादी ब्याह में ही सिर्फ इसका यूज़ करते हैं। बट उपटन का यूज़ अपने डेली रूटीन में भी करना चाहिए क्योंकि इससे स्किन को काफ़ी फ़ायदा होता है। ग्लोइंग स्किन अगर चाहिए या स्किन को नरिश करना है तो उपटन का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। सिर्फ शादी ब्याह में नहीं बल्कि अंदीना भी इसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में उपटन लेके आई हूँ, इसके बनते कैसे हैं और कैसे इसका यूज़ करना है। बट आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक कर दें सो डैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्किन अगर बेदाग चाहिए, बेदाग निखार के लिए उपटन कुछ इस तरह से बनाएं। तो इसके लिए चाहिए संतरे के छिलके का पाउडर, जो रेडीमेड भी मिलते हैं और आप चाहें तो इसे सूखा कर पाउडर भी बना सकते हैं घर पे। एंड चाहिए चावल का आटा और शहद और पानी, पानी जितनी ज़रूरत हो। तो इन सभी को, संतरे के छिलके का जो पाउडर है और चावल का आटा और शहद, इन सबको मिला दें और उसके बाद पानी लेकर के, एक पानी उतना ही चाहिए जितना एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। और जब एक स्मूथ पेस्ट बन जाए तो 15 से 20 मिनट तक के लिए अपने चेहरे पर लगा लें। इसके बाद 15 से 20 मिनट जब हो जाए तो चेहरे को धो लें। इसे आप देखेंगे कि इससे चेहरा बिल्कुल बेदाग और निखरा हुआ नज़र आएगा। ग्लोइंग स्किन के लिए नेक्स्ट जो उपटन है उसके लिए चाहिए बेसन और आटा, हल्दी और दही। बेसन, आटा, हल्दी और दही। तो उपटन बनाने के लिए आपको सभी को मिला लेना है और मिलाने के बाद आप चाहे तो गुलाब जल का भी यूज़ कर सकते हैं पेस्ट बनाने के लिए, या फिर पानी का यूज़ करें। तो जब ये पेस्ट बन जाए देन ब्रश की हेल्प से अपने चेहरे पे लगाएं और इसे भी 15 से 20 मिनट तक ही अपने फेस पे लगाना है। और धोने से के लिए जब 15 से 20 मिनट हो जाए तो पहले चेहरे को थोड़ा गीला करें क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। चेहरे को गीला करने के बाद धीरे धीरे स्क्रब करते हुए इसे वॉश करें। इसके बाद चेहरे को तौलिए से पोंछ लें। हाँ, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इसके बाद आप कोई भी फेस ऑयल अपने चेहरे पे, जैसे कि आर्गन ऑयल या फिर कोई भी मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे लगा लें। चेहरे के अंदर की गंदगी को साफ़ करने के लिए उपटन कुछ इस तरह से बनाएं। इसके लिए जस्ट ओट्स चाहिए, चंदन पाउडर चाहिए, गुलाब जल चाहिए और एरोवेरा और पानी जितनी ज़रूरत हो पेस्ट बनाने के लिए। तो ओट्स, चंदन पाउडर और एरोवेरा जेल, गुलाब जल, इन सबको मिला लें एंड देन पानी की हेल्प से एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लें। जब एक स्मूथ पेस्ट बन जाए तो देन आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करें और 15 से 20 मिनट तक के लिए सूखने के लिए छोड़ दें। इसके बाद नॉर्मल पानी से फेस को वॉश कर लें। स्किन में अगर तुरंत ग्लो चाहिए तो इस उपटन को आप जरूर एक बार ट्राई करें। और इस उपटन जो मैं अभी बता रही हूँ इसको आप साबुन की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे साबुन फेस में यूज़ नहीं करना चाहिए, या फिर फेस वॉश यूज़ करना चाहिए या फिर उपटन से फेस को साफ करना चाहिए। तो ये उपटन बनाने के लिए आपको हल्दी चाहिए, बादाम के पाउडर चाहिए, गुलाब जल चाहिए और बेसन चाहिए। तो इन सभी को मिला लें, बेसन, गुलाब जल, बादाम का पाउडर और हल्दी, इन सभी को मिलाकर दूध में अगर उपटन तैयार किया जाए, दूध की हेल्प से अगर पेस्ट तैयार किया जाए तो ये और भी अच्छा होता है। जब ये पेस्ट तैयार हो जाए तो अपने फेस पे लगा लें एंड 15 से 20 मिनट तक के लिए इसे सूखने के लिए छोड़ दें। 15 से 20 मिनट के बाद आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लें तो इसे आप देखेंगे कि टैनिंग भी हट जाएगी और गजब का निखार आएगा इस उपटन से। अगर स्किन पे बहुत ज़्यादा कील मुहासे या फोड़े फुंसी या इचिंग की प्रॉब्लम्स हैं तो उपटन को कुछ इस तरह से बनाएं। आपको क्या चाहिए, जस्ट हल्दी पाउडर,
गुलाब जल, नींबू का रस और बेसन, बेसन, नींबू का रस, गुलाब जल और हल्दी पाउडर, इन सब को मिलाकर दूध की हेल्प से अगर उपटन बनाया जाए तो और भी फायदा करेगा। तो इन सब को मिलाकर एक उपटन तैयार करें और इसे अच्छी तरह गर्दन पे, फेस पे लगा लें। आप चाहें तो इसे पूरे बॉडी में भी लगा सकते हो। तो इससे क्या होगा कि स्किन ग्लोइंग स्किन पाने का ये सबसे बेहतर और सबसे आसान उपाय है। फेस पे चमक लाने के लिए चंदन पाउडर का यूज़ कर आप उपटन तैयार कर सकते हैं। ये चेहरे पे खास तरह की चमक लाता है और रॉयल लुक भी देता है। तो चंदन पाउडर से उपटन बनाने के लिए जस्ट दो चम्मच आपको चंदन पाउडर लेना है और एक चम्मच हल्दी लेना है और गुलाब जल। चंदन पाउडर, हल्दी और गुलाब जल, इन सबको मिलाकर मिक्स करके उपटन तैयार करें। और उपटन चेहरे पर और आप चाहे तो पूरी बॉडी पर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसे रंग भी निखरता है और नहाने से पहले अगर आप इस उपटन को यूज़ करते हैं तो इससे आपके चेहरे में काफ़ी चमक आ जाएगा। अगर आप जस्ट हल्दी और सरसों के तेल इन दोनों को मिलाकर के भी जस्ट अगर आप उपटन की तरह यूज़ करते हैं तो इससे भी चेहरे में कसाव आता है और आपकी स्किन यंग और ग्लोइंग दिखेगी। और रेगुलर रूप से इस उपटन का यूज़ करने से आपके स्किन पहले ही दिन से आपको इसका फ़र्क महसूस होने लगेगा और एक हफ्ते होते होते आपके स्किन में बहुत अधिक चमक और ग्लो आ जाएगा। अगर उपटन के फ़ायदे की बात करें तो ये डेड स्किन सेल्स को हटाने का भी काम करता है। और अगर आपके स्किन में ज़्यादा ऑयल है, अगर ऑयली स्किन है तो तेल को कम करने का काम करता है। ये स्किन के पोर्स को टाइट करता है और नेचुरल रूप से ये अगर मुहासे और पिंपल्स हैं फेस पे तो उसे भी ठीक करता है। इसके अलावा ये स्किन में को नरिश करता है, नेचुरल ग्लो देता है, स्किन को हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करता है, काले दाग धब्बे हैं तो उसे हटाता है, टैन अगर है तो उसको हटाने में हेल्प करते हैं, स्किन की टोन अच्छी करते हैं, सन टैन अगर है तो उसको भी हटाने का काम, उसको हल्का करने का, हटाने का काम करते हैं उपटन। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे कुछ नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।